हेलो गाइस, वेलकम टू स्मार्ट सिटीज। आज के इस वीडियो में पॉलिटिकल साइंस के बीए फर्स्ट ईयर के पेपर सेकंड के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। सो वीडियो को पहले अच्छे से कम्प्लीट करिएगा। इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए हैं उन सारे क्वेश्चन के आप अच्छे से नोट्स एडिट करो। कोई भी डाउट होगा टेलीग्राम पर शेयर करके पूछ लीजिएगा। और हाँ, इसका क्वेश्चन पेपर भी अभी अपलोड हो जाएगा, जिसके लिंक आपको इसी वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। सो वहाँ से आप ज्वाइन होकर उस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से कंप्लीट करें, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसको एग्ज़ाम देने के पहले एक बार अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, सॉल्व कर लेंगे तो काफ़ी डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे और हैबिट भी हो जाएगा जल्दी से एग्ज़ाम में क्वेश्चन लिखने का। ठीक है, सो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। हमारा पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है 1858 के प्रथम स्वतंत्र संग्राम के विद्रोह के कारण एवं परिणामों की विवेचना कीजिए। इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। सो आपको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम क्या हुआ इसके बारे में। 1857 का विद्रोह सशस्त्र विद्रोह के साथ साथ उस हिस्से में ब्रिटिश कब्जे के खिलाफ उत्तरी और मध्य भारत में विद्रोह एक लंबी अवधि थी। 96 क्षेत्रों में आगनेजी घटनाओं से जुड़े असंतोष छोटे छोटे संकेत जनवरी में सामने आने लगे। बाद में मई में बड़े पैमाने पर विद्रोह भड़क उठा और प्रभावित क्षेत्र में एक पूर्ण युद्ध में बदल गया। इस युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया और अगले 90 वर्षों तक भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश भाग ब्रिटिश सरकार ब्रिटिश राज के सीधा शासन स्थापित हो गए। ठीक है, एंड 1857 के कारण विद्रोह के कारण चर्बी वाले कारतूसों और सैन्य शिकायतों के मुद्दे को अधिक महत्व दिया गया है। हालांकि हाल के शोधों में साबित कर दिया गया कि कारतूस इस विद्रोह का एकमात्र कारण नहीं था। वास्तव में विद्रोह उत्पन्न करने के लिए सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक जैसे कार्यों को मिलाकर काम किया गया था इसमें। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा दिया है 1935 का अधिनियम का एवं 1950 में जो वर्तमान संविधान प्रभाव पर क्या विवेचना पड़ी थी उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, क्या प्रभाव पड़ा था उसके बारे में तो देख लेते हैं। 1919 में भारत प्रदेशा अधिनियम, जिसमें माले मिंटो सुधार भी कहा जाता है, लाया गया था। इस अधिनियम द्वारा चुनाव प्रणाली के सिद्धांत को भारत में पहली बार मान्यता मिली। गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में पहली बार भारतीयों को प्रतिनिधित्व मिला था। केंद्रीय एवं विधान परिषदों को सदस्यों को सीमित अधिकार भी प्रदान किए गए थे। ठीक है, वर्ष 1919 में क्या हुआ था, इसके अंतर्गत भारतीय मंत्री और भारत परिषद को शामिल किया जाता था। 1919 का अधिनियम माध्यम से गृह सरकार से संबंधित संपूर्ण व्यय को ब्रिटिश सरकार राजकोष पर भारत में भारित कर दिया गया था। इसके परिणाम स्वरूप भारत सचिव के कार्यों पर वित्तीय संसद का नियंत्रण एवं अधिक प्रभावी हो गया था। ठीक है, अधिक प्रभावी हो गया था। तो इसमें क्या है आपका, 1919 में हमारा अधिनियम पारित हुआ गृह सरकार के द्वारा हुआ था, जिसमें ब्रिटिश राजकोष के द्वारा भारित कर दिए गए थे। इसमें आपको यही एक्सप्लेन करके लिखनी है। ठीक, आते 1935 में भारत शासन अधिनियम 1935 के वर्तमान संविधान का मुख्य स्रोत 1900 अधिनियम। आप जैसे लिखने लगना जब पेंसिल लिखना आप, तो 1935 का अधिनियम पहले लिखना। ठीक है, 1935 का अधिनियम के अंतर्गत ऐसे लिखना, फिर नेक्स्ट लाइन क्या लिखेंगे यहाँ से लिखेंगे, भारत में सर्वप्रथम संघीय शासन प्रणाली की नींव रखी गई थी। संघ की दो इकाइयाँ थे, ब्रिटिश भारतीय प्रांत तथा देशी रियासतें। संघीय व्यवस्था कभी अस्तित्व में नहीं आई क्योंकि देशी रियासतों ने इन्हें शामिल होने से मना कर दिया था। तो आप ऐसे लिखेंगे आंसर। ठीक है, इसे कंप्लीट करिए। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में। हमारा दिया हुआ है भारतीय संविधान से आपका क्या तात्पर्य है, इसकी विशेषताओं एवं मुख्य स्रोतों का वर्णन कीजिए। तो भारतीय संविधान को, जैसे कि मैंने आपको पार्ट वन में ही बताया था कि भारतीय संविधान क्या होता है, इसके बारे में आप अगेन एक बार अच्छे से कंप्लीट कर लो। यह एक लिखित दस्तावेज है जो सरकार और उसके संगठनों के मौलिक बुनियादी संहिता, संरचना और प्रक्रियाओं, शक्ति एवं कर्तव्यों को, नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों का निर्धारण करने वाले ढांचे को निर्धारित करता है। इसे 26 नवंबर 1949 में संविधान द्वारा अधिसूचित किया गया था और यह 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ठीक है, आप ऐसे इसे ना आप हाईलाइट करके लिखना, 26 नवंबर 1949 और 26 जनवरी 1950 को हाईलाइट करके लिखना, ताकि एग्जामिनर का ज़्यादा एफर्ट पड़े आपके आंसर पे। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। संघीय व्यवस्था तथा मूल कर्तव्य का विस्तार से वर्णन करना आपको। संघीय व्यवस्था, मूल कर्तव्य क्या है उसके बारे में देख लें। संघीय शासन व्यवस्था से तात्पर्य उस शासन व्यवस्था जिसमें शक्ति का विभाजन केंद्र और राज्य के बीच होता है। संघीय शासन व्यवस्था पूरी तरह केंद्रीकृत व्यवस्था न होकर संघवाद के आधार पर आपको व्यवस्था होती है, जिसमें संघ होता है, केंद्रीय शक्ति होती है, जिसमें विभाजन किया जाता है।
ठीक है, तो आपको इसे अच्छे से कंप्लीट करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको संघीय शासन व्यवस्था से तात्पर्य उसी शासन व्यवस्था जिसमें शक्ति का विभाजन केंद्र और राज्यों के बीच में होता है। तो आप ऐसे मुख्य पॉइंट ऐसे जो है ना इसे हाईलाइट करके लिखा करें, जैसे यहाँ पर डम्बल इन्वर्टेड कॉमा में ऐसे कंप्लीट करके लिखेंगे तो आपके काफ़ी एफर्ट पड़ते हैं आपके आंसर पे, ठीक है, आप ऐसे कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट हमारा 5 दिया है, नीति निर्देशक एवं मौलिक अधिकारों में अंतर स्पष्ट करना है। नीति निर्देशक एवं मौलिक अधिकार क्या क्या हैं, तो आइए देख लेते हैं हमारा, ठीक है। कुछ मौलिक कर्तव्य ये भी हैं, जैसे हर नागरिक का कर्तव्य है कि संविधान के पालन करें और उसके आदर्श संस्थाओं राजध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना हमारा पालन करना होता है। तीसरा, भारत की प्रभुता एकता और अखंडता की रक्षा करें, ठीक। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट दिया है मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकारों को आपके बारे में बतानी है कि इसमें मौलिक अधिकार भारतीय संविधान द्वारा भारत के नागरिकों को प्रदान किए गए अधिकार है, जबकि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत उन आदेशों को सूचीबद्ध करते जिन्हें विभिन्न कानून नीतियों को लागू करते समय राज्य द्वारा ध्यान रखा जाता है या चाहिए, ठीक है। मौलिक अधिकार हमारा क्या है, जो भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए गए अधिकार हैं वो हमारे मौलिक अधिकार कहलाते हैं। और नीति निर्देशक क्या होता है, वो एक प्रकार का सिद्धांत होता है जो कि सूचीबद्ध कानूनों और नीतियों द्वारा पारित किया गया होता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ इसमें अंतर देख लेते हैं। हमारा पहला इसमें दिया है मौलिक अधिकार का उल्लेख संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 में मिलता है, और जबकि नीति निर्देशक का तत्व उल्लेख भाग 4 के अनुच्छेद 336 से 51 में किया गया था, ठीक। मौलिक अधिकार को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लिया गया है, वह नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट आते हैं हमारा मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति अदालत में जा सकता है, वही नीति निर्देशक तत्व को लागू करने के लिए अदालत जाने की व्यवस्था आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है। मौलिक अधिकारों को हम कहाँ अदालत में उसे दाखिल कर सकते हैं, बट नीति निर्देशक को हम अदालत में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है उसमें, ठीक। चौथा आते हैं मौलिक अधिकार कानून में मान्यता होती है जबकि नीति निर्देशक तत्व सरकारी मान्यता होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे आप ना आज जैसे अगर पूछ लिया कि मौलिक अधिकार क्या होता है इसके बारे में बताइए, तो आप अगर अंतर पढ़े हो तो हो सकता है कि आप नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हो ना, अगर अंतर पढ़े हैं तो भी तो हम उसका डेफिनेशन लिख सकते हैं ना। आप ऐसे लिख सकते हो जैसे मौलिक अधिकार में कानूनों की मान्यता प्राप्त होती है, और मौलिक अधिकार में प्रत्येक व्यक्ति अदालत जा सकता है, मौलिक अधिकार में संयुक्त राष्ट्र राष्ट्र अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। इसका अनुच्छेद आपके भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 में मिलता है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया हुआ है देख लेते हैं, भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के अधिकार एवं कर्तव्य तथा शक्तियों का वर्णन करना है आपको, ठीक है। आते हैं प्रधानमंत्री के अधिकार क्या क्या होते हैं और राष्ट्रपति के अधिकार क्या क्या होते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो देख लेते हैं, प्रधानमंत्री विभिन्न विभागों के बीच तालमेल बिठाते हैं, या दो से अधिक विभागों के बीच मतभेद होने की स्थिति में प्रधानमंत्री का निर्णय मान्य होता है। प्रधानमंत्री विभिन्न मंत्रालयों के कार्यों की निगरानी करते हैं, वो मंत्रियों के कार्यभार फेरबदल भी कर सकते हैं, ठीक है। आते हैं राष्ट्रपति पे, राष्ट्रपति शास्त्रोक्त के आवाहन करते हैं, संबोधित करते हैं तथा संसद को संदेश भेजता है, लोकसभा भंग करता है। किसी भी समय आदेश जारी करते समय को छोड़कर जब संसद में सदनों में सत्र चल रहे हो तो वित्तीय और धन विधेयक लाने की सिफारिश करने, प्राण दंड स्थगित करने, सजा को कम करने या क्षमा करने का निलंबित करने, या कुछ मामलों में ऐसे ही आपको मामलों में पेश करने के लिए राष्ट्रपति का कार्य होता है, ठीक है। आइए कुछ और देख लेते हैं, राष्ट्रपति को प्राप्त विशेषता अधिकारों को भारत के संविधान अनुच्छेद 361 के तहत परिभाषित किया गया है। राष्ट्रपति द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियां इन प्रमुख साझा करती हैं, राष्ट्रपति की कार्यकारी वित्तीय विधि न्यायिक राजनयिक सैन्य वीटो और आपातकालीन शक्तियां राष्ट्रपति को मिली हुई है, ठीक है। आप ऐसे ऐसे कंप्लीट करके लिख सकते हैं। और आते कुछ इसमें क्वेश्चन था कि संशोधित प्रक्रिया क्या होती है इसके बारे में बताना है। तो संशोधित प्रक्रिया हमारे बैठकों की सुविधाजनक बनाने के लिए विधायी निकायों द्वारा नियोजित एक प्रोटोकॉल है। संशोधित प्रक्रिया का लक्ष्य अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करना, बहुमत का शासन बनाए रखना और सबसे कुशल कार्यवाही को बढ़ावा देना होता है, ठीक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, सर्वोच्च न्यायालय का गठन किस प्रकार किया गया है, इसके कार्यों का वर्णन करना आपको सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बतानी है। तो देखें सर्वोच्च न्यायालय का गठन हमारा 28 जनवरी 1950 को किया गया था, ठीक। उसका उद्घाटन बैठक में मंच पर सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश और सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के भारत के समय पहले मुख्य न्यायाधीश और माननीय न्यायमूर्ति हरिलेजा काने के द्वारा किया गया था ये, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट में,
इसमें क्वेश्चन पूछा गया है आपका, न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है इसके बारे में बताना है, ठीक है। आप इसे क्या समझते हैं न्यायिक पुनरावलोकन, संदर्भ में न्यायपालिका का महत्व समझाना है। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, न्यायिक पुनरावलोकन आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक। देख लेते हैं, न्यायिक पुनरावलोकन से आपको तात्पर्य न्यायालय की उस शक्ति से है जिस शक्ति के बल पर वह विधायिका द्वारा बनाए कानूनों, कार्यपालिका द्वारा जारी किए आदेशों तथा प्रशासन द्वारा किए गए कार्यों की जांच करती है, वह मूल ढांचे का अनुरूप है, ठीक है, या नहीं वो भी सकता है। एंड नेक्स्ट आते हैं, इसमें क्वेश्चन एक पूछा था राज्यपाल के बारे में, पूछा है कि राज्यपाल क्या है और मुख्यमंत्री के अधिकारों के शक्तियों का वर्णन करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार और देखिए ताकि ये दोनों का क्वेश्चन आपको आंसर साथ में बता सके, ठीक है। राज्य के विधानसभा विधान परिषद की रचना एवं गठन अधिकारी शक्तियों की विवेचना करनी है आपको, ये दोनों क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। विधानसभा विधान परिषद के बारे में पढ़ लीजिएगा और राष्ट्रपाल और राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बारे में देख लेते हैं, ठीक। आते हैं हमारा मुख्यमंत्री कहाँ गया, एक मिनट। हाँ, राज्य की विधायिका के अनुसार मुख्यमंत्री के पास मंत्रियों के बीच विभागों आवंटन के फेरबदल की क्षमता होती है। वही अलग अलग तरह की राय होने पर मुख्यमंत्री किसी भी मंत्री के इस्तीफा मांग सकते हैं। इसके अलावा विधानसभा में मंत्रियों की गतिविधियों नियंत्रण, मार्गदर्शन और समन्वय मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है, ठीक है। अतः संविधान 159 के अनुसार राज्य की विधान परिषद का गठन अथवा विघटन करने का अधिकार, परंतु इसके लिए प्रस्तुत विधेयक का विधानसभा में विशेष बहुमत दो बटे तीन से पारित होना अनिवार्य है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा है अनुच्छेद 159 के अनुसार किसी राज्य में विधान परिषद का गठन किया जा सकता है यदि राज्य की विधानसभा ने शासन का संकल्प विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित में मत देने वाले सदस्यों की संख्या से कम दो तिहाई बहुमत द्वारा पारित किया गया है। संसद के दोनों सदनों में फिर इसका आशा अधिनियम पारित कर सकते हैं, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, आप विधानसभा विधान परिषद के बारे में अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। आते हैं कुछ और है प्रावधानों के अनुसार देख लेते हैं, जिसमें हमारा विधायिका का क्या इसमें महत्व था उसके बारे में देख लेते हैं। भारत के नव निर्मित संविधान अनुच्छेद 168 के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक राज्य को एक या एक से दो सदनों का आयुक्त एक विधायिका स्थापित करनी थी। राजस्थान एक संसदीय सदनीय चरित्र को चुना है और इसकी विधायिका को राजस्थान विधानसभा के द्वारा रूप से चुना जाता है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे, भारतीय राजनीति के प्रमुख मुद्दे पर विस्तार से वर्णन कीजिए, जाति धर्म और भाषा के बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो हमारे क्या है, आतंकवाद, नक्सलवाद और धार्मिक हिंसा और जाति धर्म संबंधित हिंसा महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो भारतीय राष्ट्र के राजनीतिक वातावरण को प्रभावित करते हैं, ठीक। आते हैं नेक्स्ट पे, पंचायती राज व्यवस्था की कार्य प्रणाली की विवेचना करना है आपको। पंचायती राज व्यवस्था क्या है, आइए एक बार इसको भी देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है आपका ये। जिसमें एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत शक्ति का विकेंद्रीकरण किया जाता है तथा सत्ता के प्रशासनिक सत्रों का विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। शक्ति का विकेंद्रीकरण किया जाता है ताकि विकास की योजनाओं को राष्ट्र के प्रत्येक क्षेत्र में क्रियान्वित किया जा सके, ठीक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एंड हमारे लोकसभा, राज्यसभा, निर्वाचन आयोग, चुनाव सुधार और भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में एक बार देख लेते हैं हमारा क्या है, ठीक है। इसमें हमारा क्या है, लोकसभा राज्यसभा के बारे में आपको अच्छे से पढ़नी है। इसमें हमारा मानगणना प्रक्रिया, राजनीतिक दलों के बारे में आपको बताना है। राजनीतिक दल एक क्वेश्चन था, उसे भी आप कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। राजनीतिक दल क्या है उसके बारे में बताना है। एंड भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में आप बहुत अच्छे से कंप्लीट करिएगा क्योंकि इस पे एक लेख आपको लिखने के लिए आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको द्वितीय विश्व युद्ध के समय 8 अगस्त 1942 को आरंभ किया गया था। यह एक आंदोलन था जिसका लक्ष्य भारत में ब्रिटिश राज को समाप्त करना था। यह आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा लिखा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई अधिवेशन में शुरू किया गया था। यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विश्वविख्यात काकुकरी कांड के ठीक 17 साल बाद अगस्त 8 सन 1942 को गांधी जी के आह्वान पर समूचे देश के एक साथ आरंभ हुआ। यह भारत का तुरंत आजाद करने के लिए अंग्रेजी शासन के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन किया गया था, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। चैनल पर अगर नए आए होंगे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा। वीडियो कैसा लगा मैं जरूर बताइएगा, लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा और हाँ, अपना एक छोटा सा फीडबैक जरूर दीजिएगा। और मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, और इसका क्वेश्चन पेपर आपको अपलोड मिल जाएगा, इसी वीडियो की लिंक में आपको प्रोवाइड हो जाएगी। बाय बाय।